हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है, तो विषय को भैया ध्यान से देखना, ठीक है, काट पीट के न देखें। जैसे हस्त मिथुन एक ऐसी आदत है जो छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और आज हमारे मसीही नौजवान इस गंदी लत में जूझ रहे हैं, और उसकी सजा नरक में अनंत काल की है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर हैं। तो चलिए जी, हम इस वीडियो को देख ही लेते हैं। देखिए भैया, बाइबल हस्त मैथुन का विशेष रूप से कहीं उल्लेख नहीं करती, और यह नहीं कहती है कि क्या हस्त मैथुन करना पाप है या नहीं। वीडियो को काट पीट के ना देखें भैया, और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। देखिए, पवित्र शास्त्र ज़्यादातर ओनान की कहानी की और हस्त मैथुन के संबंध में संकेत करती है कि भूमि पर अपना वीर गिराना एक पाप है। जैसे उत्पत्ति 38:9-10 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर अपना वीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया है, उसे यहोवा देख कर प्रसन्न हुआ, और उसने उसको भी मार डाला। देखिए, परमेश्वर ने ओनान को उसको अपने वीर को भूमि पर गिराने से मना किया था, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, तो परमेश्वर ने ओनान को नष्ट कर दिया था। जैसे मत्ती 5:27-30 वचन में लिखा हुआ है, यह कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि वे विचार न करना। आगे 30 वचन में, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इस आयत को पढ़ने के बाद आपको पता ही चल गया ही होगा, जो लोग हस्त मैथुन करते हैं वे दाहिने हाथ से ही करते हैं। यहाँ हाथ काटने के लिए नहीं कहता है परमेश्वर। अगर आपको हस्त मैथुन करने की आदत पड़ गई है तो उसे छोड़ दो, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो। अगर आपसे नहीं छूट रहा है मेरे प्रियों, तो आप परमेश्वर से कहिए कि हे पिता, मुझे इस गंदी लत से बाहर निकालिए। प्रार्थना में कहिए भैया। देखिए, हस्त मैथुन एक ऐसी बड़ी वासना है जो पोर्न उत्तेजना या यौन सामग्रियों के द्वारा होता है, जैसे सेक्स वीडियो देखना। अगर आप इन सब गंदी लतों को देखना बंद कर देंगे तो ये छूट सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे पिता इस गंदी लत से बाहर निकालिए, यह परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। तुम नर्क में जाना चाहते हो भैया, छोड़ दो ये गंदी लते। क्या है इसमें, कुछ नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ अपने प्राणों को नाश करना है। थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा दी जाएगी। देखिए, जो आप लोगों को बातें बताई जाती है वे सब बाइबल से बताई जाती हैं। देखिए, पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, मैं पाप के ऊपर वीडियो क्यों बनाता हूँ ज़्यादा, देखिए भैया, क्योंकि आप पाप के जरिए ही नरक में जाओगे, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, परमेश्वर बहुत ही पवित्र 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 है। स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम किए हुए कहते हैं रातों दिन, पवित्र 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 पवित्र। आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करो भाई। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की ज्योति में करें आप सभी को। जय मसीह की।